भाई नाश्ता वास्ता कर लिया बच्चों तुमने? ये अच्छा था ना। आपको अभी हम लोग लखनऊ दर्शन कराएंगे। पहले जाएंगे हम टुंडे कबाब खाने, फिर उसके बाद शर्मा जी की चाय, या फिर दोनों को साथ साथ कर सकते हैं हम। कितना दूर है? पास ही है ना, दोनों को साथ में करेंगे। उसके बाद देखते हैं चाय और कबाब, बढ़िया कॉम्बिनेशन तो पता नहीं होगा नहीं होगा। बाकी हमारे होप्स ना बहुत हाई हैं टुंडे कबाब को लेके, बट उस लड़के को ऐसा लग रहा है कि उसके होप्स क्रश होने वाले। हाँ बहुत ज़्यादा, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मतलब हर बार जब भी मतलब लखनऊ का कोई भी आदमी है ना, वो ये बोलता है भाई टुंडे कबाब। हाँ 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 ये यूट्यूब पे जाने वाली है और राशि का घर वाले देखेंगे। जामा मस्जिद तो रिकॉर्ड हो रहे हैं आप? रिकॉर्ड हो सारी बातें तुम क्या कर रहे हो? तो अभी पहुंच चुके हैं, कोई डिपार्टमेंटल सो रहे हैं यहाँ पे, कुछ खाने पीने का लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे लखनऊ दर्शन। कहाँ कहाँ घुमा रहे हो भाई? जहाँ तुम बोलो भाई, सारी जगह। टुंडे तो बताओ, रतिलाल के खस्ते, टुंडे, रहीम, निहारी कुल्चे, इदरीस की बिरयानी, चौक, इतना सब खा नहीं पाएंगे, बट चलो चल लेते हैं। शर्मा जी की चाय पीनी थी, बट क्या फायदा, इनकी चलती नहीं है, इन लोगों की चलती ही नहीं है मार्केट में। 6 बजे कोई उठा नहीं तो 6 बजे खुली मिलेगी और बाद में बंद कर देते हैं। और क्या, सुबह का टाइम पता चल रहा है, इसी बात पे हम दिल्ली जा रहे हैं। हम टुंडे कबाब ट्राई करने जा रहे हैं, अगर वहाँ पे भी बंद मिला ना तो भाई भाई उतार दो सबको, हटो दिल्ली जाना है हमें। ये कुछ नहीं है, करोल बाग आओ किस दिन, करोल बाग आओ यार। सो फाइनली पहुंच चुके हैं टुंडे कबाबी पे, जो भी फेमस है सबको, सिर्फ कबाब पराठे खाना और कुछ नहीं खाना। तुम बता रहे थे ओ सवास, तो काफी फेमस जगह पे आ गए हैं। आज फाइनली पहुंचे हैं यहाँ पे। लत्ती अभी पैक कराने गए हैं, थोड़ा सा लेके निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, पार्क भी ऐसे ही करिए रोड के ऊपर। टुंडे कबाबी से लंच आ गया है। तो चलो यहाँ से निकल रहे हैं, भीड़ बहुत है। और इसके बाद कहाँ जाएंगे? इमामबाड़ी के बाद छोटा इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा में छोटा इमामबाड़ा में राजा रहते थे, छोटे इमामबाड़ा में वो रहते हैं रानियां। तो छोटे वाले चलते हैं ना। यार कैसे लोग हैं लखनऊ के, रास्ते याद नहीं है। देखो मैं अपना, हमें रास्ते याद नहीं है। छी इतना सा शहर है उसके भी रास्ते याद नहीं है। प्रकाश की कुल्फी खानी बहुत है भाई, लोग रास्ते याद है क्या तुम्हें? नहीं प्रकाश की कुल्फी खानी बहुत फेमस है भाई, बिल्कुल मार्केट के बीच में खड़े, जल्दी बताओ इधर आ जाओ इधर इधर। बेगम ऑफ लखनऊ।
इज रूमी दरवाजा गाइस। कौन सा वाला? ये बड़ा इमाम बड़ा है और ये रूमी दरवाजा है और ये राइट में ओह माय गॉड, इनको सब पता है भाई। फिर भी कुछ नहीं पता तुम्हें, रास्ते तक पता नहीं है। काफी मन था यहाँ पे आने का, काफी टाइम से मैं बोल रहा था कि मेरे को लखनऊ जाना है, देखना है। बट अच्छा है, सुंदर है, मतलब सब अच्छा है। यहाँ पे हमारी कार खड़ी, आपको सबसे। हाँ भाई, यस आई एम एलन, एलन मेसी। ये हमारा गो टू पर्सन है लखनऊ में, हमें जो भी चाहिए लाके देता है। एम्ब्रोस, राशिका, वायलेट जॉन, साइड हो जाओ थोड़ा सा। शुभांगिनी, बाबा पुष्कर। और एक चीज और दिखानी थी, दैट्स द क्लॉक टावर ऑफ लखनऊ, ये भी काफी फेमस है यहाँ पे। मेरा क्लॉक टावर दिख रहा है, मैं कबाब के कबाब। तो एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मैं इसको उठा नहीं सकता हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, हाथ से टूट रहे मेरे। इमाम बाड़ा, अब इसके अंदर जाने का प्लान है, थोड़ा देखते हैं अंदर से कैसा है क्या है। और हमारे पीछे है रूमी गेट, रूमी गेट से आए हैं और अब इमाम बाड़ा, बड़े इमाम बाड़ा में जाएंगे। हाँ बल्लू, काफ़ी शोर है यहाँ पे यार। ओ कुछ ऐसा दिख रहा है, बाबा फिर कोई बात पता थी क्या? दाल चावल वाली, दाल चावल वाली अभी पता लगी। ओ भाई भीड़ देखो यहाँ पे, कोई बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं और इतनी भीड़ है ना। सारे लोग निकलते हुए, ओ भाई फ्लैश लाइट ऑन, भाई बाबा फ्लैश लाइट ऑन कर दो। ये बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा भूल भुलैया का? इंग्लिश में क्या कहते हैं भूल भुलैया को पहले ये बताओ। लेबरिंथ, मैंने पढ़ा था। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई? बढ़िया था, अच्छी अच्छी चीज़ें पता चली। जैसे कि वो वाला, वो जिसमें पानी में हमें रिफ्लेक्शन दिखता है, बाहर से लोग आते हैं बट वो हमें नहीं देख सकते। आर्किटेक्चर कैसा लगा? आर्किटेक्चर तो भाई अमेजिंग, ये हॉल कितना होता है यार, इतना बड़ा हॉल और कोई पिलर नहीं, कुछ नहीं। आपका क्या कहना है? अभी राशिका को सी ऑफ कर दिया है और अब निकल चुके हैं हम दिल्ली की तरफ सीधा। पहले छोड़ेंगे भाई को, उससे पहले हम डिनर करेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद सीधा दिल्ली स्टॉप होगा। और फिर उसके बाद मेरे को अभी घर जाने के बाद एक ट्रिप पे और जाना है अभी, तो दैट विल ऑल्सो बी कमिंग सून ऑन द चैनल, सो जस्ट वेट एंड वॉच। बाकी अभी निकल चुके हैं लखनऊ से, ये लखनऊ की सड़कों को बाय बोलने का टाइम हो गया। जब ट्रैवल करते हैं ना, तो जैसे भाई का पेट खराब हुआ तो वही थोड़ा हेल्दी चीज़ें खाते रहा करो, नारियल पानी पीते रहा करो ताकि सब ठीक रहे। चीयर्स। Thank you.
बड़ा इमामबाड़ा में ना एक्चुअली ज्यादा शूट करना अलाउड नहीं था, तो हमने वहाँ पे बात नहीं करी, बट थोड़ा बहुत मैंने शूट करा था, मतलब अलाउड था बट ज्यादा ऐसे बिल्कुल नहीं लेके घूमना अलाउड नहीं था, तो हमें एक बार टोक दिया था स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैंने ज्यादा ब्लॉग नहीं करा वहाँ पे। बट मैं मतलब बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी बताना चाहूँगा, कि जैसे कि पहली बात की वो पूरा जो किला था, मतलब इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी दाल चावल ये राशन जो होता है हमारे किचन में यूज, इनसे बना होता है। एंड आई वॉज लिटरली शॉक उस टाइम पर जब एलन ने मेरे बात बताई ना कि मतलब इनसे बना होता था यार, मतलब कितना। और वो भी दूसरी चीज़, मतलब वो बंद तो रहा था बट जो वहाँ के राजा थे ना वो इतने वैसे थे कि मतलब अपनी प्रजा के लिए कि उन्होंने अलाउड राजा थे, मतलब मेन बात ये है कि जो वहाँ के राजा थे उन्होंने यू करा था कि अपनी प्रजा को, मतलब वहाँ पे उस टाइम पर ना काम नहीं होता था लोगों के पास करने के लिए, तो उस वजह से उन्होंने दो शिफ्ट बनाई लोगों की और उनको इतना काम इस तरीके से काम दिया कि पहले दिन में जो शिफ्ट में काम कर रहे थे लोग, क्या था ये पता नहीं और क्या था, क्या लगा है भाई चमगादड़ लगी पता नहीं क्या शीशे पे आके कुछ लगा, इतनी तेज आवाज आई भाई तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो जो दिन की शिफ्ट के लोग थे उन लोगों ने, मतलब वो लोग उस किले को बनाते थे और जो रात की शिफ्ट के लोग थे वो उस किले को तोड़ते थे, तो इस वे में उस किले को बनाने में 11 साल लगे थे, तो कितना मटेरियल यूज हुआ होगा वो सारा, मतलब उसी से बना था ना राशन वाले सामान से, और मतलब पता नहीं कैसे बनाया था उन्होंने क्या करा था, बट उस राजा की ये स्टोरी थी कि दिन में लोगों ने बनाया और रात को लोगों ने तोड़ा, और उन्होंने दोनों को पे किया, तोड़ने के लिए भी और बनाने के लिए भी, ताकि लोगों के पास काम रहे। मतलब दो तीन चीज़ें उन्होंने हमें दिखाई कि जैसे नीचे पानी है वहाँ से रिफ्लेक्शन में हम आगे से आने वाले लोग को देख सकते हैं बट वो लोग हमें नहीं देख सकते, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी क्रिएटिव ऑफ दैट। भूल भुलैया में कहते हैं तो वहाँ का भी हमने देखा, मतलब इधर उधर ऊपर नीचे, और उन्होंने ये बताया हमें कि जैसे ऊपर अगर तुम्हें भूल भुलैया से वापस निकलना है ना, तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि तुम्हें नीचे जाना है, सीढ़ियाँ लेने नीचे जाना है ताकि नीचे उतर जाओ और फिर ग्राउंड फ्लोर से चले जाओ, बट वो इतना ट्रिकी था कि सीढ़ियों में अगर जितना आप ऊपर चढ़ोगे ना उतना ही तुम बाहर की तरफ निकलोगे, तो वो भी थोड़ा अलग ही था हमारे लिए एक्सपीरियंस की, मतलब अच्छा था पूरा का पूरा। इमामबाड़ा देखा हमने, जल क्या था जल महल देखा हमने, और इमामबाड़ा बेसिकली बनाया इस चीज़ के लिए भी गया था कि वहाँ सारा जितना भी पानी जितने भी लोग हैं वहाँ पे पानी के लिए आ सके और काम के लिए आ सके, तो इमामबाड़ा का मेन पर्पज़ ये था। और दो रीज़न से इमामबाड़ा बनाया था वहाँ के राजा ने, पहला था सिक्योरिटी, दूसरी सिक्योरिटी बिकॉज किला इतना बड़ा है और उसमें बहुत सेफ्टी फीचर्स थे पूरे किले में, और दूसरी चीज़ ताकि लोगों को काम मिले, सो दैट वाज़ द होल स्टोरी बिहाइंड इमामबाड़ा। अच्छा था मतलब देख के, मतलब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, एक तो इतना ऊंचा, मतलब जैसे मैं ताजमहल जाता हूँ ना कभी कभार, तो मेरे को लगता है मतलब यार कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज होती थी यार लोगों के पास पहले, आज के टाइम पे 200 गज का प्लॉट नहीं लिया जाता मैंने। अच्छा है मतलब शहर अच्छा है लखनऊ, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता बट जहाँ होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस टू विजिट लखनऊ, एंड मैं तो चाहूँगा एक बार और आना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रह गई है भाई अभी, और कुछ चीज़ें रह गई।